Welcome to the Reddit traffic course. इसमें ये वीडियो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीडियो है, लास्ट चैप्टर है, क्योंकि इसमें आप लोगों को मैं लिंक लगाना बताऊंगा. लिंक लगाना खैर से पहले मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन मैं फाइनल आपको बताऊंगा. ये वाला अकाउंट देखें, थोड़ी देर पहले जिसका मैं बता रहा था कि इसका 300 समथिंग था कर्मा लिंक, लेकिन माशाल्लाह बढ़ता जा रहा है. तो अच्छा, अब रेडिट लिस्ट मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट बता दी थी कि रेडिट लिस्ट से आप अपनी वेबसाइट के हवाले से कोई भी आप यहां से रेडिट लिस्ट, ठीक है, रेडिट लिस्ट से आप कैटेगरीज फाइंड करेंगे, कैटेगरीज चूज करेंगे. यहां पर 5000 कैटेगरीज बनी हुई हैं यहां पर रेडिट में, ना 5000 कैटेगरीज. आप यहां पर कुछ भी लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी वेबसाइट फैशन के बारे में, आप यहां पर फैशन लिख दें तो फैशन से रिलेटेड जितनी भी कैटेगरीज हैं यहाँ पर आप इसको सर्च करके. मैंने आपको मल्टीपल रेडिट अकाउंट्स का बताया कि आप 2 से 3 रेडिट अकाउंट्स बनाएं. उसका फायदा यह है कि आप एक ही पोस्ट रेडिट पर 2 से 3 बार लगा सकते हैं, लेकिन अलग अलग सब रेडिट में. अगर आप एक ही सब रेडिट यानी कि एक ही कैटेगरी में अपनी पोस्ट 2 से 3 बार लगाएंगे तो आपका अकाउंट बैन होने के बहुत चांसेस हैं. इसलिए अकाउंट बैन होने से बचाना है, एहतियात ज्यादा से ज्यादा करनी है. अब देखें, आप फॉर एग्जाम्पल एक मैं ये वाली न्यूज यहां पर अपनी सबमिट करवाना चाह रहा हूं. अब देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर वर्ल्ड न्यूज की सब रेडिट पर अपनी कोई पोस्ट शेयर करवाना चाह रहा हूं कि सबमिट अ न्यू लिंक, लेकिन मैं बार बार मैं एक ही बात बता रहा हूं कि आप कोई भी पोस्ट लगाने से पहले 10 बार पहले उसके रूल्स पढ़ेंगे. अब जिस तरह वर्ल्ड न्यूज के जो मैं साइट पर रूल्स पढ़ रहा हूं, इसमें यह लिखा हुआ है कि डिस अलाउड सबमिशन में यह है कि यूएस इंटरनल न्यूज और यूएस पॉलिटिक्स की कोई न्यूज यहां पर अलाउ नहीं है, फीचर स्टोरीज यहां पर अलाउ नहीं है, यहां पर फिर देखें रेसिज्म, सेक्सिज्म, होमोफोबिया, यहां पर ये सारी चीजें अलाउ नहीं है. तो यूएस की अगर आप कोई इंटरनल स्टोरी देना चाह रहे हैं तो उसके लिए न्यूज की कैटेगरी है. आप यूएस की कोई न्यूज लगाएं तो यहां पर न्यूज की कैटेगरी में लगाएंगे. ये देखें यहां पर इसके भी सारे यहां पर साइट पर रूल्स लिखे हुए हैं. तो वर्ल्ड न्यूज की कैटेगरी में सिर्फ और इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आप कोई फीफा के बारे में लगाना चाहे तो ये उसका साइट पर टैग है, यहां पर क्लिक करके आप यहां पर सबमिट करवाएंगे. मैं फिलहाल यहां पर ये वाली न्यूज सबमिट करवाना चाह रहा हूं, तो मैं सिंपल ये करूंगा यहां इसका लिंक उठा के मैं यहां पर इसको कॉपी करके पेस्ट करके इसको मैंने यहां पर सबमिट. ये बिल्कुल न्यू अकाउंट है, ये मैंने कुछ पिछली वीडियो में आप लोगों के सामने ही बल्कि वीडियो में ऑनलाइन बनाया था ये अकाउंट मैंने. नो ऑल कैप्शंस, देखें मैंने एक रूल ब्रेक कर दिया कि सारे कैप्शन जो है इसमें आपकी जो इमेज है बिल्कुल सही तरह से होनी चाहिए, जो इसका टाइटल है पूरा कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा होना चाहिए, तो इसको हम सही करेंगे, कैपिटल लेटर्स में नहीं होगा पूरा, तो इसको हम यहां से सिलेक्ट करके दोबारा कुछ देर के बाद लगाएंगे, क्योंकि हमने अभी 2-3 मिनट पहले शेयर करवाई थी. तो इसी तरह हम जिस बारे में आपकी फॉर एग्जाम्पल वीडियोज में है तो आप अपनी वीडियोज में अपनी वीडियो शेयर करवाएंगे. मैंने जो इमेजर से ट्रैफिक लाने का तरीका बताया उसके अलावा यहां पर आप यहां भी आप कमेंट्स में कर सकते हैं. सारी आप देखेंगे कि किस बारे में, फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले तो सर्च करेंगे कि यहां पर कौन सी वीडियोज लगी हुई है. फॉर आपकी अगर एनिमल्स का आपका चैनल है तो यहां पर इस वीडियो के कमेंट्स में जाके यहां पर भी आप पहले थोड़ी सी इसकी तारीफ करेंगे, ऊपर अमेजिंग वीडियो, नाइस वीडियो, ऑसम, और इसकी थोड़ी क्यूट, इस तरह कुछ भी करके उसके नीचे करेंगे कि आप उसके नीचे अपनी वीडियो का यूआरएल दे देंगे कि देखें मेरे पास भी इससे मिलता जुलता, तो कुछ भी आप यहां पर कर सकते हैं इसको. अच्छा, तो लिंक यहां से आपने ऐसे लगाना है कि आपने देखें वो कैपिटल लेटर्स वाला लिंक एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो वर्ड कैपिटल लेटर्स में पूरा आपको कोई भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से आपका होना चाहिए. देखें आपने यहां से इसका पहले लिंक उठाया, ठीक है, लिंक उठा के आपने इसका यहां से सब्जेक्ट उठा लिया, ठीक है, ये उठा के आपने लगा दिया. हालांकि ये इस लिंक से कोई खास बहुत ज्यादा ट्रैफिक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये उर्दू के बारे में है और उर्दू में जाहिर सी बात है इन चीज में गौरों को कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस पर भी इंशाल्लाह, मतलब हालांकि बिल्कुल इररिलेवेंट पोस्ट है, कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन इस पर भी 200 से 500,000 तक आराम से ट्रैफिक आ जाएगी. 200-300 तो आराम से आ जाएंगे क्योंकि लोग इसको खोलेंगे वर्ल्ड न्यूज पे, लोग इसको आके चेक करेंगे, तो 200-300 ट्रैफिक आराम से इस पर आ जाएगी. और इसी तरह आपको अगर आपका कोई दूसरा अकाउंट है तो आप ये करें कि ये देखिए मैंने तो ये इसलिए
पाकिस्तान की ये प्रोसेस इसलिए आपको नहीं कर सकते, मैं आपको दोबारा नहीं बता सकता, मैं कि एक दूसरी वेबसाइट पर जाता हूँ, स्पोर्ट्स मैग, मैं इस पर गया, ठीक है। मैं इस वेबसाइट पर, ये देखें, ये वेबसाइट, ये जो पोस्ट है ये हमने लगाई थी, और ये अभी माशाल्लाह इसके स्ट्रॉन्ग, इतने स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स बने हैं कि ये गूगल के पहले पेज पे और पहले पे, और इंडिपेंडेंट, मिरर और बाकी सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट इससे नीचे हैं, और ये सर्चिंग में आ गई है। ये इसका ये फायदा हुआ है कि इसके बैकलिंक्स बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, जिस वजह से ये पोस्ट मतलब पहले में आ रही है, ठीक है। आपने कोई भी पोस्ट यहाँ से उठाई, देखें ये पोस्ट यहाँ से उठाई, फॉर एग्जाम्पल आपने इसको, आपने अगर सबमिट करवाना है, ये किसी दौर में है, अच्छा ये विंबलडन के बारे में है, बेसिकली ये टेनिस को कहा जाता है विंबलडन, ठीक है। अभी इसके टूर्नामेंट चल रहे हैं, मैंने इस पोस्ट को अगर मैं सबमिट करवाना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले तो क्योंकि ये खेल है, स्पोर्ट्स है, तो मैं एक एक अकाउंट से मैं इसको लगाऊंगा स्पोर्ट्स पे, ठीक है। मैंने इसको एक अकाउंट से सबमिट यू लिंक करके यहां पर कर दिया, उसके बाद फिर मैंने 15-20 मिनट के बाद वही लिंक अपना उठाया, अपने दूसरे अकाउंट से मैं लॉगिन हुआ प्रॉक्सी लगा के, दूसरा लिंक मैंने इसके बाद लगा दिया। देखें ये जो है, इसको मैं विंबलडन का यहां पर लिख के देखूंगा तो इसी की कैटेगरी कोई ना कोई विंबलडन की, ये देखें, ठीक है। अबे विंबलडन की मैंने यहां पर इसको मैंने सबमिट करवा दिया एक बार, ठीक है। इसके बाद ये टेनिस को कहा जाता है विंबलडन, तो मैं टेनिस पे, ठीक है। अब मैंने तीसरी आईडी से अपनी इसको मैंने टेनिस पे करवा दिया, ठीक है। ये विंबलडन दरअसल टेनिस का टूर्नामेंट है, विंबलडन, ये देखें टूर्नामेंट चल रहा है, ये इसकी आपको सारी अपडेट्स भी गूगल पर नजर आ रही होंगी। ये स्पोर्ट्स का एक टूर्नामेंट है, इसको हमने टेनिस पे आगे एक बार जब सबमिट करवाया, फिर विंबलडन के नाम से ये एक इनके इवेंट के नाम से एक सबरेडिट बनी हुई थी, हमने एक बार वहां पर सबमिट करवाया, और मतलब तीन बार हमने इसको सबमिट करवा दिया। जब आप तीन बार इसी को पोस्ट को सबमिट करवाएंगे एक को, तो उसके बहुत सारे फायदे होंगे आपके पास। उसके जो लोग SEO करते हैं या जिन लोगों के पास गूगल से ट्रैफिक आती है, वो इस चीज को समझ सकते हैं कि आपकी ये रेडिट हो गई या जितनी चीजें भी हो गई, ये सारी चीजें हैं आपकी आरजी अर्निंग का जरिया है। इससे ये होगा कि आप फॉर एग्जांपल आप रेडिट पे लगाते रहेंगे तो आपकी ट्रैफिक आती रहेगी, जिस दिन आपने रेडिट पे लिंक्स लगाना छोड़ दिए आपकी ट्रैफिक आना बंद हो जाएगी। तो लेकिन अब गूगल से ट्रैफिक आने का फायदा ये है कि आपने एक बार गूगल पे पोस्ट लगा दी और फिर आप सारी जिंदगी बैठ के उस पोस्ट से आप अर्निंग करेंगे, ठीक है। आपने एक बार गूगल पे पोस्ट लगाने के बाद सारी जिंदगी उस मतलब सारी जिंदगी जब तक आपकी वो पोस्ट रैंक है, ज्यादातर तो रैंक रहती है अगर आप उस पर काम करते रहेंगे तो, और ये रेडिट उसको रैंक करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है, ठीक है। ये आप बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो यहां से हम सर्च करेंगे तो रेडिट उसको गूगल के पहले पेज पर और पहले इसको उस पर दिखाएगा, ठीक है। इसका ये फायदा हुआ कि आपकी आपको ट्रैफिक आई, आपकी अर्निंग हो गई, बहुत अच्छा हो गया। उसका दूसरा फायदा आपको ये हुआ कि आपकी पोस्ट गूगल पर रैंक हो गई। तीसरा फायदा आपको ये होगा कि गूगल से आपके पास लोग आने शुरू हो गए और आपकी वो पोस्ट, आपको वो कीवर्ड जो है वो इस, आप देखें ये इसको मैंने एक करवाया, हम लोगों ने इसको IPL स्कैंडल के बारे में हमने एक पोस्ट करवाई, मैं दो और पोस्ट लगवाऊंगा इस पे, फिर तीन पोस्ट लगवाऊंगा, तो इस तरह करके ये हुआ कि और इसके लिंक शेयर होते रहेंगे तो 5-6 पोस्ट के बाद क्या होगा इंशाल्लाह कि IP स्कैंडल या IP है राजस्थान एंड चेन्नई लिख के कोई सर्च करेगा तो गूगल के पहले नंबर पे। अब ये देखें, हालांकि ये बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है आजकल और मुझे उम्मीद नहीं है कि ये पहले, ये देखें आप ये देख लेंगे BBC पे और हर जगहों पे IPL स्कैंडल और ये सारी सेम नामों से ये लगी हुई है और उसके बाद ये हमारी वेबसाइट इस पर आ रही है और पहले पेज पे गूगल के आ रही है और 5 घंटे पहले ये पोस्ट लगी है। मेन बात है कि 5 घंटे के अंदर आपकी पोस्ट, जो रेडिट से इस पर लोग आए होंगे ट्रैफिक वो तो आई होगी, इसके अलावा गूगल से कितने आए होंगे वो आपकी सोच है, ठीक है। अब इसको आप देखें, ये इसको हमने रेडिट पे सर्च किया तो देखें ये स्पोर्ट्स मैग का ही लिंक लगा हुआ है। तो आप लोगों को ये मैंने बताया कि आप मल्टीपल अकाउंट्स बनाए, मल्टीपल अकाउंट से आप लोग इस पे रेडिट पे चीजें शेयर कराएं तो इंशाल्लाह आपकी जो है मजीद ट्रैफिक आती रहेगी। इसके अलावा भी बहुत और भी छोटी छोटी टिप्स हैं। ये सिलसिला, ये वीडियो लास्ट नहीं है, ये वीडियो मतलब एक चैप्टर लास्ट है, लेकिन छोटी छोटी वीडियोज हम लोग आपको छोटी छोटी टिप्स आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। आप लोग अपने क्वेश्चंस करें, आप लोग अपने सवालात पूछें ग्रुप में, आप लोगों को जो चीज समझ में नहीं आ रही आप वो चीज देखें। अगर हम देखेंगे तो कोई चीज जो बतानी चाहिए हम लोगों को वो उस चीज की हम लोग दोबारा वीडियोज बना के शेयर करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी दो दो तीन तीन पांच पांच मिनट की वीडियोज
आती रहेंगी। आप लोग हमें यहाँ पर अपनी, फॉर एग्जाम्पल आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप अपनी वेबसाइट के बारे से कौन सी सब्जेक्ट का आपने इंतखाब करना है, तो आप हमें बताएं, हम आपको आपकी वेबसाइट के हवाले से मैं इंशाल्लाह आपको रिसर्च करके दूंगा। अब मैं आपको आपकी वीडियो के हवाले से रिसर्च करके दूंगा, मैं आपको वीडियो सजेस्ट करूंगा आपने कौन सी वीडियो लगानी है, यहां तक कि मैं आपको पोस्ट तक का सजेस्ट करूंगा कि आप ये पोस्ट लगाएं, ये ट्रेंड चल रहा है। आप लोगों की जिस चीज के बारे में वेबसाइट है आप मुझसे बताएं कि हमारी इस नीच पे वेबसाइट है, वीडियोज है, हमारा वीडियो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, मैं आप लोगों को रिसर्च करता हूँ। आप गूगल पे पोस्ट करें और मुझे उस पर एक दो बार टैग करें, मैं रिप्लाई ना करूं, मुझे फिर दोबारा टैग करें। ये सिलसिला रुका नहीं है वीडियोस का, और इंशाल्लाह इस तरह की मजीद वीडियोस आती रहेंगी और आप लोगों को मजीद सिखाते रहेंगे और बहुत कुछ हमें भी सीखने का मौका मिलेगा आप लोगों के साथ। आप लोगों को कोई नई चीज पता चलती है, आप लोग वो चीज ग्रुप में शेयर करें अपने दूसरे ग्रुप मेंबर्स के साथ, तो इंशाल्लाह इसी तरह हम लोग मजीद सीखेंगे। मैं एक बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट करूंगा, फिर दोबारा आप लोगों को ये बात कहूंगा कि आप लोग रेडिट को देख के, आप लोग ये सारी कैटेगरीज देख के, आप लोग इस इन रेडिट के मुताबिक अपनी वीडियोस बनाने की कोशिश करें, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। उर्दू वेबसाइट, पाकिस्तानी कॉन्टेंट, इन सारी वेबसाइट से यूके, यूएसए, कैनेडा, इनके विजिटर्स का कोई लेना देना नहीं है, उनको इन चीजों पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप रेडिट के होम पेज पर जाएं, आप होम पेज पर जाके आप देखें कि रेडिट से किस चीज के, यहाँ पर किस चीज की जो है वो ज्यादातर लोगों ने लगाई हुई है। अब ये देखें, यहाँ पर जॉर्जिया जैसे अक्यूज रशिया, अब ये देखें इसने इस तरह की पोस्ट लगाई है, इस पे इसको 3412, इस पे कुछ नहीं तो कुछ नहीं, इसके लाखों विजिटर्स आए होंगे इस पोस्ट पे, ये रेडिट के पहले पेज पे। आप लोगों की पोस्ट भी रेडिट के पहले पेज पे आ रही है, इनफैक्ट मुझे ग्रुप के एक मेंबर ने पोस्ट किया था कि उसकी एक पोस्ट जो है वो रेडिट के पहले पेज पे आ गई है, और पहले पेज पे अगर आपका लिंक आ जाता है तो आपकी सोच है कि उससे आप कितना जनरेट, एक लिंक से इंशाल्लाह हजारों डॉलर्स आप लोग जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी छोटी छोटी टिप्स हैं, छोटी छोटी, इसके अलावा भी इंशाल्लाह वीडियोस आती रहेंगी, लेकिन जो मेन आप लोगों को तरीकाकार बताना था, प्रोसीजर समझाना था, अकाउंट बनाने का, कर्मा लिंक बढ़ाने का, आई इमेजर का, इमेज लगाने का, और बाकी उस पर वेबसाइट के लिंक लगाने का, वो सारी चीजें आप लोगों को इंशाल्लाह मतलब हम लोग बता चुके हैं, बाकी सारी चीजें बता रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कोई चीज समझ में आए बिल्कुल कोई हेजिटेशन फील नहीं करने पूछने में, आप लोग पूछें, इंशाल्लाह फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा जवाब देना, और इन टिप्स पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।